अनुराधा, आपने 2019 में ऑनर्स किया है इकोनॉमिक्स से, कौन सी यूनिवर्सिटी से? सर जेपी यूनिवर्सिटी। जय प्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी कहाँ है ये? सर ये छपरा में पड़ता है। बताइए कि ईएसआई पद के लिए आपने क्वालिफाई किया है, ईएसआई किस विभाग के अंतर्गत और किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? सर ये परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है, सर राज्य परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परिवहन का क्या मतलब? परिवहन सर, परिवहन यानी सर यातायात सुविधा देना, यानी लोगों या वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात सुविधा प्रदान करना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जॉब है ये। एक भर्ती के रूप में आपको लगता है कि यूनिफॉर्म जॉब, जो भर्ती वाला जॉब है, उसका काफ़ी टफ डिमांड होता है, धूप में, पानी में, या फील्ड यूनिट में जा करके काम करना, अपने से बड़े अधिकारियों को टाइमली रिपोर्ट देना, जो गाड़ियों के कागज चेक करते हैं उसमें कभी कुछ अलग अलग तरह के भी लोग होते हैं, आपको लगता है कि एक लड़की के रूप में आप ये वाला जॉब कर पाएंगे? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कर पाएंगे भी सर, क्योंकि यूनिफॉर्म का कोई इशू नहीं है सर, क्योंकि यूनिफॉर्म आजकल हर डिपार्टमेंट में एक अपना अपने यूनिफॉर्म बेसिकली है, तो सर इसमें भी यूनिफॉर्म एक सर किसी भी विभाग में अगर यूनिफॉर्म दिया गया है तो उसका पालन करना। ऐसा कुछ लोग क्यों बोलते हैं कि लड़कियों को पुलिस में, सेना में, ऐसे जो नहीं जाना चाहिए, बेसिकली ऐसा करना चाहिए हमें स्कूल टीचर, नर्सेस, डॉक्टर्स, बैंक वाले जॉब में जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोग क्यों बोलते हैं? सर ऐसे पहले सोचा जा रहा था, बोला जा रहा था सर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सही है या गलत, यस ऐसा क्यों बोलते हैं सर, ऐसा क्यों बोलते हैं मैंने सही है या गलत मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, किस मानसिकता से ऐसी बात कही जाती है? सर मानसिकता है कि सर जो पुलिस विभाग है सर, इसमें वर्किंग टाइम मतलब 24 आवर्स होते हैं सर, तो सर इसमें ऑन ड्यूटी हमेशा रहना पड़ता है सर, चाहे आप घर रहिए चाहे कर किसी भी परिस्थिति में आपको ऑन ड्यूटी पे रहना है। और सर लड़की का बहुत सारा दायित्व तो है सर, एक तो व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, तो सर इस मामले में कहा जाता है। अच्छा, तो जो लोग ऐसा करते हैं वो थोड़ा सुरक्षात्मक भाव रखते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि लोग ऐसा करते हैं। इकोनॉमिक्स से हम दो चार सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप अच्छे से पढ़ाई किया आपने इकोनॉमिक्स को? यस सर। ये बताइए कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता के पश्चात अपना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक लाइन में परिभाषा बताओ। सर मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साथ में समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को शामिल किया जाता है। सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है जो जिसमें सर पूंजी उद्योग का दायित्व होता है, जिसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन जिसको कह रहे हैं। और सर जो चलिए अच्छी बात है, बजट भारतीय संविधान में किस आर्टिकल सर? अनुच्छेद 112। 112 सर ऐसे बजट का उल्लेख नहीं है, लेकिन सर बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण उल्लेख किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बताया आपने। ये अर्थव्यवस्था में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं सब्सिडी, बताइए थोड़ा सा कि सब्सिडी किस प्रकार का खर्च है? सर सब्सिडी सब्सिडी जो देते हैं, सब्सिडी देते हैं ना, तेल पर सब्सिडी, गैस पर सब्सिडी, सब्सिडी सरकार के लिए किस प्रकार का खर्चा है? सर सब्सिडी आपने राजस्व खर्चा और पूंजीगत खर्चा का नाम सुना है? यस सर। तो बताइए सब्सिडी राजस्व खर्च है या पूंजीगत खर्च? सर अगर सब्सिडी दिया जाता है सर राजस्व खर्च, राजस्व खर्च कोई एक और राजस्व खर्च का नाम बताइए। वेतन, पेंशन वगैरह भी सब राजस्व खर्च है जो सरकार को लौट कर नहीं आते। पूंजीगत खर्च ऐसे हैं जिससे पुल पुल वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ निर्माण जो किया गया पूंजीगत खर्च है ना, और जो सीधे दे दिया गया जो लौट के नहीं आना है वो राजस्व खर्च है। चलिए ठीक है, कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। सर सर प्रत्यक्ष कर वैसे कर को कहते हैं सर जो जो व्यक्तिगत रूप से लगता है, यानी किसी व्यक्ति पर जिसे सर प्रत्यक्ष रूप से वसूला जाए। और सर अप्रत्यक्ष कर वैसे कर को कहते हैं जिसका सर जैसे कि मान लीजिए कि बिक्री कर, तो सर बिक्री कर जो है सर एक आदमी से नहीं वसूला जाता है, अगर जो उसको खरीद रहा है फिर वो अलग व्यक्ति खरीद रहा है, तो सर एक स्थान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जिसका भार पड़े वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है,
ठीक है, ये बताइए कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? सर अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ जी को कहा जाता है। सर उनका सर बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत अच्छा, हम आपसे काफ़ी संतुष्ट हैं अनुराधा। हमारे कुछ अन्य मेंबर आपसे प्रश्न करेंगे, उसके पश्चात। जैसा कि आपने हॉबी में योग लिखा है, मुझे ये बात बताइए कि योग डे कब मनाया जाए? सर 26 जून को। 26 या 21? 21 जून। 21 जून को ही चुनने का कोई रीज़न होगा? 21 जून को चुनने का मैम सबसे बेसिकली बात है कि 21 जून को जब इसकी घोषणा हुई थी तो उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इवेंट में भाषण दिए थे पहली बार 2014 में, तो उनकी पहली भाषण जून जून के पहले हुआ था, मतलब जब उन्होंने अप्रैल में जब कि 21 जून को भी क्यों चुना गया? डेट सजेस्ट किया होगा तो कंट्री करता है, जैसे इंडिया ने योग दिवस के बारे में बताया तो उसने 21 जून की भी डिमांड की थी, उसको ऐसी कुछ भौगोलिक घटना होती होगी 21 जून को। अच्छा, इसके अलावा आप अपनी हॉबी के बारे में बताइए और क्या क्या आपकी हॉबी? जैसे मैं देख रही हूँ टैगी मेकिंग है, ओल्ड सॉन्ग सुनना है, तो टैगी मेकिंग आप कैसे करते हैं? मैंने सामान का इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, टैगी मेकिंग में जैसे कि और किसी प्रकार का भी टैगी मैं बना लेती हूँ, जैसे हाथी बनाना है तो उसके लिए एक तो विभिन्न प्रकार के कपड़े आते हैं, उसके लिए सर मैम जो बटन वगैरह थे वो सब आते हैं, उसके लिए हाथ पैर मतलब जो भी बनाना रहता है वो एक विभिन्न प्रकार के मार्केट में उपलब्ध होते हैं, तो उसके द्वारा आप मार्केट से उपलब्ध सामानों को यूज़ करती हैं। आप घर के टूटे हुए बटनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, मोटियों से भी कुछ बनाया जा सकता है, सुना है आपने? ये इसमें मैं वो भी करती हूँ, जैसे कि जैसे कपड़े होते हैं मैं मुझे है जो कि जो हाथ हस्त से बिना जाता है मैम, तो उसका मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, कपड़ा से भी काट कर मैं टेडी बना लेती हूँ, पुराने कपड़ों से भी इस्तेमाल कर लेते, छोटे बच्चों को अगर देना रहता है तो उससे भी बनाकर छोटे बच्चों को दे देती हूँ। ताकि ये सर्कुलर इकॉनमी आपने सर्कुलर इकॉनमी चक्रीय अर्थव्यवस्था चक्रीय क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था में मतलब होता है मैम कि जैसे एक चक्र से दूसरे चक्र में किसी भी क्षेत्र का प्रभाव आना, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था है। अच्छा ये मुझे बताइए कि महिलाओं का क्या रोल है ये इकॉनमी में? महिला का अगर देखा जाए धन अर्थशास्त्र में तो पहले तो हमारे देश के वित्त मंत्री भी एक महिला है, ठीक, जो जिनका प्रमुख योगदान देखा जा रहा है, लगभग 2-3 सालों से वो संभाल चुकी हैं। और सर महिलाएँ मैम एक तो आर्थिक गतिविधियाँ भी दे रही, घरेलू क्षेत्र में भी अपना योगदान देती है, अगर अपना उनके पास बजट होता है तो बजट का भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करती है, जितने भी मासिक रहता है। ये बात बताइए कि COVID-19 में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हुई, पुरुष भी बेरोजगार हुए, महिलाएँ भी बेरोजगार हुई, जैसे जैसे सुधार आया पुरुषों को तो नौकरी मिल गई, महिलाओं को नौकरी नहीं मिल पाई, इसका क्या वजह आपकी नज़र में? मैम पहली वजह है कि जब COVID-19 आया था मैम तो वर्क फ्रॉम होम से ड्यूटी कराया जाता था, तो वर्क फ्रॉम होम को करने के लिए जो पुरुष थे वो अपना दायित्व को परफेक्ट कर पाए, क्योंकि महिलाएं अगर वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो उनके साथ में अगर वो शादीशुदा है तो उनके पारिवारिक भी मामले हैं, प्लस में अपना व्यक्तिगत है, प्लस मैम अगर देखा जाए तो ऑफिशियल नाम है, तो मैम वो एक साथ इतना दायित्व को अच्छी तरह से नहीं कर पाए। वर्क फ्रॉम होम। ये बताइए कि अभी आपने शादी की बात करी, तो ये बताइए कि शादी के बाद महिलाओं को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है नौकरी? शादी के बाद मैम शादी होना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, शादी हो गया तो पहले तो अपना घर का मेन है मैम घरेलू, और फिर उसके साथ साथ अपना ऑफिशियल दोनों को संभालना पड़ता है, तो ये करना हम लोग का जिम्मेदारी होता है। ससुराल पक्ष के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं।
दफ्तर में भी खाना बनाइए और कॉल कर भी आइए तो सारे काम कीजिए और अगर थके हुए भी हैं तो चलिए। ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं आप और योग भी करते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, हमारे बच्चे पूछ लेते हैं कुछ आंसर। आपके नाम क्या अनुराधा मतलब सर छोटी राधा, यानी अनु का मतलब ही होता है छोटा। अपनी चर्चा क्या था वो अपने संस्कार इसमें क्या लिखे हैं सर? इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, मैंने पूंजीपति जितने उद्भव हुए ना उनके बारे में मैंने जिक्र किया था कि आर्थिक गतिविधियाँ जितनी हो वो पूंजीगत रूप से होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सर कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सिर्फ बाजार के द्वारा ही नियंत्रण होता है सर, उसमें किसी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है सर, ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी। जी सर पूंजी ऐसे कहा जाता है कि जो भारत का अर्थव्यवस्था है वर्तमान समय में इसका झुकाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? सर ऐसा उचित भी है कहा जाए तो, ऐसा हो भी रहा है सर, क्योंकि सर मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत का है तो सर इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों है। तो सर सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि पूंजीपतियों को जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र है उसका भी अर्थव्यवस्था में अंतर्भुक्त होना चाहिए। आपके अनुसार मतलब कि भारत का अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होना चाहिए? नहीं सर पूंजीवादी नहीं होना चाहिए, सरकार सोच रही है कि पूंजीवादी के साथ साथ समाजवादी भी। तो पहले से हम ये कह रहे हैं जी भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था के झुकाव पूंजीवाद की तरफ हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? अच्छा मान लीजिए एडम स्मिथ साहब ने जब वर्थ ऑफ नेशंस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जब दिया था फिर ऐसा क्या हुआ 1929 की आर्थिक मंदी आ गया पूरी दुनिया में क्राइसिस आ गया? आर्थिक मंदी बताया आपने? केन्स का नाम सुना है? जॉन मेनार्ड केन्स का साथ में सर केन्स का कुछ सुने ना जैसे का क्या है थ्योरी सर? उन्होंने इम्प्लॉयमेंट ऑफ थ्योरी सर जैसे करके दिए थे कुछ पता नहीं सर। ये बताइए जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें सरकार की क्या भूमिका होती है? सर समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की क्या भूमिका होती है? सर मिश्रित अर्थव्यवस्था सर मिश्रित अर्थव्यवस्था में सर सरकार दोनों के लिए कर सकती है, यानी समाज के प्रति भी उनका रुझान होता है, यानी सरकारी स्तर पर भी कार्य किया जाए और सर जो निजी क्षेत्र है उस स्तर पर भी कार्य किया जाए। जैसे कि सर आजकल हम लोग समस्या देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, तो सर ये प्राइवेटाइजेशन एक समस्या बन रही है सर, पूंजीपतियों का ज़्यादा दायित्व तो दिया जा रहा है सर, सरकार दोनों का समाज सरकार तो पूंजीपति के काम कर रही है आप लोग सर, ये बताइए पूंजीपति से बाहर जाता है समाज के उन लोगों के लिए सरकार किस तरीके से काम करती है? निश्चित अर्थव्यवस्था में सर दोनों के प्रति कार्य किया जाता है सर, सरकारी के भी सर समाजवादी के भी और सर पूंजीवादी के प्रति। ठीक है समाजवाद बढ़ावा देने जी सर कैसे काम करती है? सर समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए सर सरकार विभिन्न प्रकार के सामाजिक स्तर पे अपना कार्य करती है, जैसे कि बहुत सारी योजनाएँ लाती है सर, योजना लाना और सर बहुत सारे नियम कानून लाना ताकि समाज में समान प्रकार के कानून बना रहे। अभी जो आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था की सिचुएशन है कैसा सिचुएशन है सर? जो अभी है सर अभी तो सर महंगाई की स्थिति है, महंगाई है ठीक है, और क्या है सर बेरोजगारी की स्थिति है सर, गरीबी की भी समस्या बढ़ती जा रही है। अच्छा ठीक है मानिए कृषि अर्थव्यवस्था में महंगाई भी है इन्फ्लेशन है और क्या है बेरोजगारी कम मंदी है ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अब चलिए मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन की स्थिति है ठीक है, किस अर्थव्यवस्था को कैसे रिकवर किया जाएगा स्टैगफ्लेशन को सर? सर इसके लिए तो सर सबसे पहली बार सर की महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। कैसे किया जाएगा सर? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सर सरकार क्या करती है कि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति लाती है सर, प्रत्येक वर्ष में
सर 6 बार प्रत्येक 2 महीने पर मौद्रिक नीति लागू। सर इसमें क्या किया जाता है कि सर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सर करों में या तो वृद्धि किया जाता है या कमी किया जाता है सर, ताकि सर महंगाई कंट्रोल हो सके और सर मंदी की भी समस्या है तो भी इससे कम किया जा सकती है। अभी सरकार क्या अभी बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाएगा RBI के द्वारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए। सर अभी सर सरकार सर RBI क्या कर रही है कि सर अभी कुछ महीनों से सर जो मौद्रिक नीति जारी कर रही है सर उस पॉलिसी में किसी प्रकार का ना तो बढ़ोतरी कर रही है ना ही कमी कर रही है। तो सर उसमें क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन सर महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, सर दिन प्रतिदिन बढ़ता नहीं जा रहा है। लेकिन हाल ही में जो सर मौद्रिक नीति जारी किया गया है तो सर इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी किया गया है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, मुद्रास्फीति को रोका जा सके। जी आप कह रहे हैं कि टैक्स रेशियो को बढ़ाया गया RBI द्वारा, टैक्स रेशियो को बढ़ाकर हम महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं? सर टैक्स रेशियो को बढ़ाया गया सर क्या होता है कि जैसे टैक्स रेशियो को बढ़ाते हैं सर तो जो बैंक होते हैं सर वो मतलब लोन देने की स्थिति लोन देना ही मेन सर अगर दर कम होती है तो सर लोन भी आसानी से मिल जाती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का जैसे 100 पॉइंट।